फ्रेंड्स, वेलकम टू मन्नू क्रिएशंस। आज का टॉपिक है कि ये टी शर्ट, हम पुराना टी शर्ट लिए हैं, आपके पास अगर न्यू टी शर्ट हो तो उसको भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये टी शर्ट है जो यहाँ पे लूज है, इसका मोहरी के पास में, तो इसको हम किस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। और आप चाहे तो अगर उसका गला भी अगर बड़ा हो तो वहाँ पर भी आप वही डिजाइन बना सकते हैं, या फिर आप नीचे में इसका यहाँ पे भी हम डिजाइन बना सकते हैं, पर हम इसमें सिर्फ यहाँ बाजू के पास में ही डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम करके आपको बता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ सिलाई है यहाँ से ही हम निशान लगाएंगे, तो 1 इंच करके हम निशान लगा लेते हैं। आप चाहे तो बड़ा टी शर्ट में अगर बना रहे हैं तो 1.5 इंच तक भी ले सकते हैं, बड़ा छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम यहाँ पर 1 इंच करके लिए हैं, 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएं। इसी तरीके से पूरे में हम 1-1 इंच पे निशान लगा ले रहे हैं। इस तरह से हम पूरा 1-1 इंच करके हम निशान लगा लिए हैं पूरे में। अब हम यहाँ पे हम लेंगे, इसके ऊपर में हम लेंगे, यहाँ डिजाइन इतना दूर पे ही बनाएंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे आप नाप के भी ले सकते हैं, इधर से भी 1 इंच ले लीजिए या तो फिर उससे थोड़ा कम। हम इस लाइन से, ये जो सिलाई है, सिलाई के लाइन से थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे हम निशान ये सीधा में हम ले जाएंगे। तो इसको यहाँ पे जैसे 1 इंच हम लिए हैं तो यहाँ पे 1/2 इंच लेंगे, इसका बीच बीच में हम लेंगे, यहाँ पे 1 निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच करके ले लिए, इसके बाद में यहाँ पे 1-1 इंच करके लेंगे तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा। इस तरह से इसके बीच में यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, इसी तरह से इधर हम लगा ले रहे हैं, इस तरह से हम ऊपर भी निशान लगा लिए हैं। अब इसको हम सिलाई जब करेंगे, ये सुई में हम धागा ले लिए हैं डबल करके, अब इसको हम सिलाई करेंगे तो इसको यहाँ से इस तरह से तिरछा सिलाई करेंगे, इसके बाद यहाँ से इधर तिरछा ले जाएंगे, फिर यहाँ तिरछा, इस तरह से तिरछा तिरछा हम सिलाई करेंगे छोटा छोटा टाका लगा करके। इस तरह से हम पूरा सिलाई कर लिए हैं, पूरा मोहरी में ये देखिए छोटा छोटा करके सिलाई कर लिए हैं। और ये डिजाइन हम पहले भी बहुत पहले बता चुके हैं, वो पट्टी पे अलग से हम बताए थे करना, आप उस तरीके से भी बना करके कहीं पे भी लगा सकते हैं, जैसे कहीं पे बाजू के मोहरी में या फिर फ्रॉक के नीचे घेरा में इस तरह से बना कर लगा सकते हैं। हम उसका भी लिंक आपको आई बटन में दे देंगे। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसको यहाँ तक तो हम सिलाई कर लिए हैं, और धागा को हम एक बार ही इतना बड़ा रखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे गांठ ना लगे, ये एक बार में इतना आ गया है। अब इसको इस तरह से खींचेंगे,
और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके खींचेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचेंगे नहीं तो धागा बीच में टूट जाएगा। इसको इस तरह से धीरे धीरे करके खींच लेंगे। ये देखिए एक कितना सुंदर डिजाइन बन गया है इस तरह से मोहरी में। आप इसको जितना लूज रखना चाहते हैं आप इसको इस तरह से इसको खिसका करके उतना लूज आप कर लीजिए, आपको जितना फिटिंग चाहिए। इसमें हमको 5.5 इंच रखना है मोहरी, तो उतना हम देख लेंगे इस तरह से फैला करके। थोड़ा सा और साढ़े पांच आ गया है। अब इसको हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, इसके बाद इसको बराबर सेट कर लेंगे। इसको हम पीछे सुई लेकर के हम यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं इतना में। तरह से इसको फैला करके एक बराबर से सेट कर लेंगे। ये देखिए बराबर दोनों साइड से हो गया, तो इस तरीके से डिजाइन बन गया है। ये कितना खूबसूरत भी लग रहा है और यहाँ पे फिटिंग भी हो गया। इसी तरीके से हम इस साइड में भी ऐसे ही बना लेंगे। इस तरह से ये दोनों स्लिप्स में ये डिजाइन हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।